तो खुद ही अपने क्षेत्रों के लिए नहीं परंतु दूसरों को भी प्रेरणा देने का काम करें। गुड आफ्टरनून एवरीवन, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू ऑल टू द फर्स्ट ग्लोबल राजस्थान हैबिटेट मीट ग्राम 2016। दिस इज अ 3-डे इवेंट टू सर्व एज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर एलिवेटिंग राजस्थान एग्रीकल्चर सेक्टर टू न्यू हाइट्स। सरदार वल्लभ पटेल ने कहा था कि मेरी यही इच्छा है कि भारत में इतना अधिक उत्पादन हो कि ना कोई भूखा है या किसी को मेरे देश में आ से पाते देखो। मुझे आज बताते हुए आप वहां के हित में उनको सबसे ऊपर रखते हुए इतने बड़े स्तर पर आयोजन किया। पहली बार जो जीसीसी का जो कंपाउंड है ये 40 एकड़ का है। पहली बार एक तरह से दूसरी तरफ से ये 40 एकड़ का कंपाउंड भरा है। और मैं ये कह अपने किसानों के सामने नतमस्तक होना चाहती हूँ। बालाजी उसे इतने कहते हुए और बालाजी ने ये बात कही, हम चाहते हैं कि हमारा किसान सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, पर उसके लिए उसने जो कड़ी मेहनत करती हूँ पूरे साल काम करता है, कभी मौका नहीं मिलता घर बैठने के लिए, कोई ना कोई काम और किसान संबंधी वो चलता ही रहता है। क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया था और आज इसमें हम चाहते हैं कि जो आपके मंच पे बैठे हैं वो लोग भी मेहनत करके आज इस यहां तक पहुंचे और इनका जो एक किस्म से जो सीख पाई है वो और उन्होंने जो अपनी इंडस्ट्री लगाई है उसको भी हमारे किसानों के साथ जोड़े तो उसका फायदा भी हम सबको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। क्या और दुनिया के अंदर अपने आप को भी लोग इनका लोहा मानते हैं। ऐसे लोग आपके बीच में बैठेंगे, आज कॉन्फ्रेंस होंगी, छोटी छोटी जाजर बैठक होंगी, इसके अंदर आप इनसे प्रश्न करेंगे और ये आपको जवाब देंगे। इसी में मैं चाह रही हूं ठीक है, यही ध्यान रखना होगा कि पानी और जमीन हमारी सीमित है और हम तभी अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रख सकते हैं जब संसाधनों को हम समझें और उसका सही तरीके से उपयोग करें। आज ये कॉन्फ्रेंस उसको ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं। ग्राम एक्चुअली दिस कॉन्फ्रेंस दैट वी आर हैविंग ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर आवर फार्मिंग कम्युनिटी टू बी एक्सपोज्ड टू सम ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज, इनोवेशंस एंड माइंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरीबॉडी इज हियर टुडे टू बी प्रेजेंट विद अस एंड टू बी शेयरिंग देयर नॉलेज विद द पीपल। इसमें दो चार चीजें जरूरी जरूरी चीजें जिसके बारे में आप सुनोगे। एक तो शेल्फ लाइफ किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, माने फल और सब्जी का जो पैदावार है वो बढ़े और उसको ज्यादा समय तक किस तरीके से हम रखें। ये मैं जब इजराइल गई थी तो इजराइल के एम्बेसडर जब बैठे हुए हैं तो इजराइल ने उन्होंने हमें बताया कि जिस चीज को आप 2 दिन तक रख सकते हैं उस चीज को वो 10 दिन तक रख सकते हैं। तो नेचुरली उनकी पैदावार को मार्केट तक पहुंचाने का काम उन्होंने ऐसा किया है कि दूर से दूर मार्केट तक वो पहुंचा सकते हैं और अच्छे से अच्छे दाम उनको मिल जाएंगे। इसी तरीके से गोदाम से और कोल्ड स्टोरेज तक उपज को कम से कम समय में गोदाम और कोल्ड स्टोरेज में किस तरह से पहुंचाया जाए, इस तरीके से कि नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट से बाजार के अंदर हम आसानी से हमारा माल कैसे पहुंचा सके, कैसे किसान को सही मूल्य मिले। अभी मैं महाराज जी को यही कह रही थी, मैंने कहा आंवला क्या बात कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि किसान ने एक समय में आंवला बहुत जोरदार तरीके से पैदा किया, परंतु जो आंवले की जब बेचने का मौका आता है तो किसान को तो दाम मिलता नहीं है। इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी अपने को बनाने की जरूरत है, किसको आप प्रोसेसिंग करेंगे या इसको खरीदारी के अंदर भी किस तरीके से उसको सपोर्ट कर सकते हैं, ये अलग अलग चीजों को सिस्टमाइज करने की जरूरत है ताकि आने वाले समय के अंदर किसान को उसका दाम मिले। आप ये देख रहे हैं कि हमारे सभी मंडियों में ई मंडी और ई नाम के आधार पर विपणन किया जा रहा है। कई मंडी है जहां किसान परिवार योजना को प्रारंभ हमने कर दिया है कि 5 रुपए के अंदर हम लोग हमारे किसानों को भोजन दिलवाते हैं। आज राजस्थान की खेती यही नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में जो जुड़े हुए क्षेत्र हैं उसमें लगातार बेहतर प्रदर्शन हमारा हो रहा है, लोग हमारा लोहा मानने लगे। नीति आयोग ने यहां तक कह दिया कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स जो है उन्होंने बनाया है अभी, उसमें राजस्थान देश का 3रा रैंक में आया है।
मैंने ये तो आपको बता दिया, एक रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, इतने तो हमारे हो गए. बट ये भी एक ऐसी चीज है जो नीति आयोग ने कहा है कि राजस्थान को जब हम दूसरे प्रदेशों के साथ आते हैं तो राजस्थान का नंबर बहुत अच्छा ऊपर आता है. ये मैं हमारे किसानों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपके बिना ये काम हो नहीं सकता था. हम तो खाली आपके लिए मदद करने के खड़े हैं. पूरे फार्मर्स इनकम्स फॉर दैट सब्सिडीज हैव टू गेट डन. भूमि संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं, मालिकाना हक हो, भूमि संबंधित और भी समस्या है, उनका निराकरण हम लोगों को करना है. उसके ऊपर हम लोग सब ध्यान दे रहे हैं. केवल राजस्व न्यायालय, क्योंकि किसान इसी में अगर फंसा रहता है तो कितनी मुसीबत होती है, कितना कम समय अपने खेती से वो मैंने दूर हो जाता है. तो हमने ऐसी कोशिश की कि केवल राजस्व न्यायालय से जो संबंधित विवाद की जो निराकरण करना है वो न्याय आपवाद शिविर के द्वारा हम लोगों ने करवाने का काम किया. तो आपने देखा होगा कि 69 लाख प्रकरण ऐसे थे जिनका निस्तारण 2 साल के अंदर हो गया, और यह हर साल करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा इनका निस्तारण होगा तो किसान इस मुसीबत से छुटकारा पा जाए. इसी तरीके से हमने कहा है कि आने जाने के रास्तों के ऊपर लोग एक दूसरे के अंदर ऐसे झगड़े करते हैं कि दूसरे को मार भी देते. हमने कहा कि अभी इसको सुलझाने की कोशिश हम करेंगे. तो जो अभी हमारे पूरे प्रदेश के अंदर जो पंचायत शिविर लग रहे हैं जिसमें जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनके संबंधित जो छोटी मोटी समस्या हमको ठीक करने के आप बहुत ही पैसे बाधा करने की हम कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये आने जाने के रास्ते के समझौते और इनकी जो मुसीबतें हैं उनको निपटाने का भी हम काम कर रहे हैं. जन कल्याण पंचायत शिविर 14 अक्टूबर से शुरू हुआ है. हर फ्राइडे को हम लोग इस कोशिश में हैं कि किसी भी प्रत्येक ब्लॉक के अंदर, एक ग्राम पंचायत के अंदर हम फ्राइडे के दिन करेंगे. और मैं आप लोग सबसे अनुरोध करती हूँ, किसानी नहीं परंतु जन प्रतिनिधिगण, प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा इन शिविरों में जाएं ताकि इसका फायदा दोनों को मिले, जो जन प्रतिनिधि है उसको और जो किसान है उनको. और मैं ये मानती हूँ कि जमीन और अपने खेत में जाने वाले रास्ते के विवाद कठिनाइयों से निश्चित अगर किसान हो जाता है तो उसकी पूरी ऊर्जा फिर काश्तकारी में लग जाती है, और अगर काश्तकारी में उसकी ऊर्जा लग जाएगी तो उसका फायदा पूरे प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को मिलेगा. यही हमारी सोच है. दूसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमारी है और आवश्यकता जो है वो है जल. इसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन, देखा मैंने 3200 गांव के अंदर 95,000 जल संरक्षण के हमने काम किए. जो भगवान की दया से पानी अच्छा पड़ा तो लगातार हो गए हैं 95% ये भर गए हैं और अच्छी तरह से भरे हैं. और इसका फायदा गांव के अंदर मिला है. गांव के लोगों ने मेरे को आगे कहा कि आने वाले समय के अंदर इसको आगे बढ़ाना है. आने वाले समय में इसका दूसरा फेज हम शुरू करेंगे. 4,000 गांवों के अंदर 1,00,000 जल संरक्षण अब हम लोग कुछ ही दिनों के अंदर शुरू करने वाले हैं. इसका फायदा भी हम लोग सबको मिलेगा. और तीसरी आवश्यकता जो है उस समय पर खाद और बीज की उपलब्धता. मैं आप सब किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहती हूं कि रबी की फसल के लिए पर्याप्त खाद और बीज का इंतजाम कर दिया गया है, तो आपको उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है. ये सब छोटी छोटी चीजें जरूर है परंतु मिला के इसका फायदा आप लोगों को मिलता है और सरकार इसके लिए सजग है. आपको तकलीफ होती है अच्छी फसल किसी प्राकृतिक कारण से अगर नष्ट हो जाती है तो इसकी पीड़ा हमको भी होती है, हम भी इसको महसूस करते हैं. और इसीलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा को हमने शुरुआत में किया है. इसकी नुकसान की जो भरपाई है उसको पूरी तरह से राजस्थान सरकार ने जोड़ के पर्याप्त मैंने भरपाई करने की कोशिश की है. अब आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी हमारे खेती और पशुपालन के अंदर, जहां तक हम लोग एक और औद्योगिकरण हम मानते हैं कि आवश्यक है हमारे लिए, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रों के अंदर हम लोगों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक और निवेश ये भी होने की बहुत जरूरत है. सो द स्टेट हैज कंसीव्ड दिस ग्रांट 2016 एज एन एग्री टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस इवेंट दैट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म एंड कैटेगराइज सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ फार्मिंग, thereby encouraging global market-driven and profit ventures. Rajasthan is the world's strong investment-friendly state. Our government is constantly working towards
ensuring that these investments are undertaken in a seamless manner and all stakeholders, from farmers to industry, reap its benefits. I would like to tell you that within a year of holding Resurgent Rajasthan, projects valued at almost 5,000 crores have been implemented, whereas projects worth 54,500 crores are under construction, and another 49,000 crores are being cleared or at various stages of clearances. And if we exclude the solar energy projects, as they are of a very long gestation, the total investment likely to be grounded is about 1.45 lakh crores, out of which 1.08 crores worth of investment are at different stages of implementation, which is about 74%. This would be one of the fastest and highest conversion rates for any state in the country. And I would like, and I'm very proud actually of my state, and of the farmers and of the people who are pushing this. I would like to make a few points that make our state stand out. We do have the largest land area, as you saw from the film, but we do possess a vibrant industrial and agricultural landscape. Do you know that the state's gross domestic product is growing at 1.2 times that of India's GDP rate? Rajasthan attracted a cumulative foreign direct investment worth $1.28 billion across various sectors over the past decades. We also hold the record for the highest number of solar plants commissioned in the country, and we are today self-sufficient in power. We have difficulties there for us, but I am able to tell you that against most states, we are not doing a bad job. So, we are encouraging agriculture practices such as micro-irrigation, which is protected cultivation, organic farming, jaivik kheti, post-harvest management, fasal katai uprant prabandhan, and farm mechanization, krishi mein machino ka upyog, jiske bare mein hum sab log baat kar rahe hain, to ensure sustainability, better returns and quality of produce for buyers. I am noticing that 9% of the tractors that are now sold in the country are actually happening in Rajasthan. 9% sales Rajasthan mein ho rahe hain. Udyaniki horticulture is another major thrust area, and as everybody said, I have to thank our partners, particularly Israel, for being so supportive of us in the last so many years. And looking now forward to His Excellency the Netherlands joining us in getting some more interesting things on the ground, particularly in the area of animals and milk production. In the agriculture and the allied sectors, I am extremely proud of our ventures in olive oil. We introduced Raje oil last year, and I would just like to say that it's something which is doing very well. But Rajasthan ka olive oil ab bahut achhi tarah se bikne bhi laga hai, aur main mante hu ki anar, jaitun, khajur, jojoba ye bhi acha chal pada hai. Parantu jo nayi cheeze laaye hain abhi Prabhuji ke pista aur dragon fruit aur ye sab jo abhi aap logon ne la raha ka kaam kiya hai, प्रोसेसिंग हाउसेस को भी जो हम लोगों ने आगे लाने की कोशिश की है, मैं समझती हूँ कि इतना सब लोगों के मिलकर हम लोगों का ऐसा फायदा देखने को मिलेगा। ये तो शुरुआत है, और मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम के अंदर इतनी जोरदार तरीके से सब लोगों ने हमको साथ दिया है। आई वुड लाइक टू से दिस यर दैट आई हैव द प्राउड प्रिविलेज ऑफ हैविंग Malika ji with us. You are actually now our platinum partner, and I know that there is so much that you can and will do Rajasthan ke kisanon ko madad karne ke liye. I am delighted to have Mr. Jain, jinke yahan main khud hoke bhi aayi hu, aapke father jab the, aur maine dekha ki Jain Rakesh ka kaam bhi kiya hai. Yahan bhi other industries hain, particularly आईटीसी के, जिनके ई चौपाल पिछले 2003-5 के अंदर हम लोगों ने राजस्थान के अंदर चालू किया था. ऐसे इंडस्ट्रीज का जब आपको सपोर्ट मिलता है, तो मैं विश्वास ये करती हूँ कि आने वाले समय के अंदर हमारे किसानों को आगे बढ़ाने का काम आप लोग करोगे, और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है. मैं कुछ यहाँ आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हम आगे क्या करना चाह रहे हैं.
अभी नंदा जी ने मेरे को यह कहा था कि भारत का भविष्य गाँव में बसता है, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और इसी विचार को आपके साथ करते हुए, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारा किसान हमारा भविष्य है, ये जो गांव और शहर के बीच के फासला था इसको किस तरीके से पाटा जाए। पहले लोग कहते थे कि शहरी आदमी है और ये ग्रामीण आदमी है, अब वो धीरे धीरे करके फासला खत्म हो गया। आप कहते हैं कि ये वो है जो इंडस्ट्री लगाते हैं और हम वो हैं जो किसान खेत के अंदर मेहनत और पसीना बहाते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर ऐसे बड़े आयोजनों के द्वारा ये भी एक हो जाएंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि वर्ल्ड ओवर मल्टीपल इनोवेशन अब जब हो रहे हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, बी एट डिजिटल सॉइल मैपिंग, यूज ऑफ ड्रोन्स फॉर इफेक्टिव इनपुट मैनेजमेंट, इंप्लॉइंग इनोवेटिव प्रोटेक्टिव कल्टिवेशन मेथड्स, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम्स, the end objective of these interventions in farming is to actually increase efficiency, reduce the cost and ensure sustainability. So India is also moving towards this, and we here in Rajasthan, with the surplus production of food grains, milk and pulses, we are committed to transforming the agricultural landscape by actively promoting the use of these best practices. Main aapke kisanon ko ye batana chahti hu ki kheti ko labhkari banane ke liye दुनिया भर में अब बहुत सारे नवाचार आ गए। इसमें मिट्टी की डिजिटल मैपिंग यानी कंप्यूटर का उपयोग करके मिट्टी की किस्म हम कैसे निर्धारित करते हैं, खाद बीज के प्रभावी प्रबंधन में ड्रोन का उपयोग यानी कंप्यूटर के माध्यम से बिना पायलट के छोटे हवाई जहाज के माध्यम से कृषि कार्य जैसे दवा छिड़कना, फसलों में बीमारी का पता लगाना, उत्पादकता बढ़ाना इत्यादि, ड्रोन जिसको ड्रोन कहते हैं, ड्रोन के द्वारा होता है। संरक्षित खेती के लिए नवाचार, बिना लागत वाली प्राकृतिक खेती आदि, ये सब शामिल है। और मैं समझती हूं कि अगर ये बाहर हो रहा है तो यहां भी हो रहा है, धीरे धीरे राजस्थान के अंदर भी ये सब चीजें हो जाएंगी, उसका फायदा आप लोगों को मिलेगा। मैं एक और सुझाव आप लोगों के सामने रखना चाहती हूं, हमारे लघु और सीमांत किसान के लिए भी हम लोग पहल कर सकते हैं। लघु और सीमांत किसान एक साथ मिलकर अगर साझा जिसको बोलते हैं साझे खेती करते हैं तो वो मशीन और आधुनिक तकनीक का सस्ते दरों पर ही उपयोग कर सकते हैं। अभी क्या होता है कि हमारे चार बीघा के खेत हैं, दो बेटे हैं तो उनके बीच में फिर विभाजन हो जाता है, उनके दो दो बेटे हैं तो उनके बीच में विभाजन हो जाता है, तो करते करते कुछ बचता तो नहीं है। अगर लघु सीमांत किसान इन सबको जो लगे लगे खेत हैं उन सबको एक साझा खेती का सोच करके साथ लाने की कोशिश करते हैं तो एक मशीन से सबकी कटाई भी हो जाती है, सबकी बुआई भी हो जाती है और ये सस्ती दर पे हो जाती है और सबसे अच्छा लाभ उसमें अपना अर्जित कर सकते हैं। तो इसमें मैं समझती हूं कि हम लोगों को बातचीत करना शुरू कर देना चाहिए। इसके बारे में आज तीन दिन के अंदर आपको इसमें काफी कुछ जानने को सीखने को मिलेगा। ऐसे किसानों को भी मैं प्रोत्साहित करना चाहती हूं, इसकी कॉन्वर्सेशन हम करेंगे, बातचीत करेंगे, उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उसको देखना है। इसी कारण हमने लघु सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन का कार्यालय चलाया है। इसमें एक्वापोनिक्स एक नई चीज है, जैसे जैविक खेती के नवाचारों पर हम लोग बल दे रहे हैं। हम कृषि औजार बनाने वाले उद्योगों के साथ लगातार कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना पर भी काम कर रहे हैं और मैं ये घोषणा करते हुए मुझे खुशी है कि प्रदेश की सभी पंचायत समिति के अंदर कस्टम हायरिंग सेंटर हम स्थापित करने जा रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से किसान भाई खेती के लिए एक आधुनिक किस्म की मशीनरी किराए पर ले सकते हैं, खरीदने की जरूरत नहीं होगी और ये केंद्र इंटरनेट से जुड़ जाएंगे और खेती की मशीन की एडवांस बुकिंग आप कर सकते हो और इन केंद्रों के ऊपर टोल फ्री टोल की सुविधा है और 3 साल के अंदर 2652 कस्टम हायरिंग सेंटर्स हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं जिनके माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। एक नया काम है और मैं समझती हूं इसका प्रभाव पूरे राजस्थान के अंदर होगा। हमारे सब लोग जो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, मैं आपको सबको धन्यवाद देना चाहती हूं कि हमारी मदद कर रहे हैं। अब राजस्थान पर्यटन
का एक प्रदेश है। यहाँ जो पर्यटक आते हैं वो ग्रामीण जीवन शैली से भी आकर्षित है। तो एग्री टूरिज्म में कृषि टूरिज्म की ओर भी हम अपने टूरिज्म को ले जाना चाहते हैं। किसानों को टूरिज्म के अंदर हम भी जोड़ देंगे तो एक नया रास्ता उनके लिए खुल जाएगा। इसके ऊपर भी हम लोग काम करना तो काम शुरू कर दिया है। अब तत्काल फायदा लेने की एक नीति वो तो ठीक है, क्योंकि आजकल के जमाने में जल्दी जल्दी उपाय की भी हम लोग तलाशते हैं। तो हमारी कृषि और पशुपालन को पहले कमजोर थे, इसलिए अब हमें ऐसे फैसले लेने होंगे जो हमारे अच्छे भविष्य का निर्माण कर सके। अब बीते कई वर्षों से हम पशु फसल पर बेहिसाब एंटीबायोटिक दवाई और रसायन खाद का उपयोग करते जा रहे हैं। यह तरीका हमारे भारी नुकसान देने वाला है और दे चुका है। कई लोग पशु से अधिक दूध लेने के लिए या फल और सब्जी के अंदर थोड़ा सा चमक हो जाए, थोड़ा सा रंग आ जाए, उसका जरा आकार बढ़ जाए, इसके लिए कई दवाइयों का उपयोग करते हैं और इसका भी दुष्प्रभाव हम लोगों के सामने आते रहते हैं। ये ना पशुओं की सेहत के लिए अच्छा है और ना ही हम सबके लिए। इससे कैंसर जैसी बीमारियां, बहुत ही घातक बीमारियां फैल रही हैं। तो इसलिए मैं सबको ये कहती हूं कि मेहरबानी करके जैविक खेती की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू करिए। मैं आपको मैं अपना उदाहरण देना चाहती हूं। मैंने कहा भैया सर, मुझे बाजार में जाकर मेरी सब्जी मत खरीदना। सबको कह दिया आपको घर के अंदर जिसको खरीदना वो खरीदो। मेरे यहाँ छोटा सा एक वो एरिया है, जरूरत है। अभी बाबा बैठे हुए थे तो इसके बारे में आप लोग सबको बता रहे थे और ये भी कहा कि बाजरा देश को खिलाएंगे। मैंने अभी कहा है कल हमारे MOU साइनिंग हो रहा है, उसमें करीबन 3,500 करोड़ के MOUs किसानों के फायदे के लिए हम लोग साइन करने जा रहे हैं। मैंने उनको भी इन्वाइट किया है कि आप भी आके 1,500 करोड़ उसके अंदर जोड़ दीजिए तो हम पूरा आराम से 5,000 करोड़ उसको बढ़ा सकते हैं। और इससे क्या होगा कि दवाई और औषधि इन चीजों को अपने ध्यान में रखते हो, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए उसको ध्यान में रखेंगे और इंडस्ट्री और किसान को साथ जोड़ने का हम काम करेंगे। अभी मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे को कुछ दिन पहले चिकन गुनिया हो गया था, वो अभी भी है, मैं दर्द दर्द है। पर मैं अगर ये आयुर्वेद वाले नहीं होते ना तो मैं समझती हूँ कि मैं आज इस कार्यक्रम में भी उपस्थित नहीं हो सकती थी। ये गिलोई और हरसिंघार, गिलोई का रस और हरसिंघार के पत्ते कि काढ़ा पी पी के आज स्थिति में मैं आदमी से मैं कह रही हूं कि गिलोई तो क्या है, जहां नीम का पेड़ है वहां गिलोई। और वो लगा अपने खेत हैं या अपने बगीचे हैं, छोटे लोग हैं बड़े लोग हैं, बड़े किसान हैं छोटे किसान, मेहरबानी करके जो नीम का पेड़ लगा वहीं लगा दो। और हसन गांव जैसे पेड़ ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं। अभी सोचने की फलित बता रही आज बाहर के देशों के अंदर ये सबसे ज्यादा दवाई के रूप में प्रचलित हो गया, उसका ये कैप्सूल बना बना के ले रहे हैं। तो यहां किसान भाई बैठे हैं और आप लोग बैठे हैं, इसको तो हम सोचते जमीन पे है, उसको तो डेंटर पे आपको जमीन में लगा के तो उग जाता है, पर जो उसका इतना फायदा है उस फायदे को आप इस्तेमाल करें। ये एक नया फील्ड है, इस नए फील्ड को इस्तेमाल करने की अपन कोशिश करें। अभी उदयपुर में नॉन टिम्बर वनोपज मंडी स्थापित करने का नवाचार हम लोगों ने किया है और हमारी सरकार इस क्षेत्र में ढेरों संभावना और तलाशने की कोशिश कर रही है। ये एग्रो प्रोसेसिंग एग्रो मार्केटिंग क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए एंड कृषि विपणन नीति और ड्रिप्स 2014 में हमने विशेष प्रावधान किया है। और मैं ये मानती हूं कि कृषि आयुर्वेद मेडिकल टूरिज्म ये अगर बढ़ता है तो हमारे युवाओं को बहुत सारे रोजगार के अवसर मिलेंगे, इसीलिए इसको और आगे बढ़ाने का काम करना है। और इन क्षेत्रों में निवेश करने वाली इकाइयों को रिप्स 2014 के अंतर्गत विभिन्न अनुदान लाभ और करों में छूट देने की मैं आज यह घोषणा करती हूं। इसके अंतर्गत हेल्थ केयर सेंटर्स बनाना है आपको, तो आयुर्वेद, पंचकर्म, योग, प्राकृतिक चिकित्सालय ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं तो न्यूनतम 2 करोड़ रुपया का निवेश और न्यूनतम 10 कमरे की आवासीय सुविधा मुहैया कराते हैं तो
बजट 2014 के तहत लाभ देने की वो भी मैं घोषणा करती हूं। आज हर्बल में प्लांट्स प्रोसेसिंग पैकेजिंग मेडिसिनल एरोमेटिक माइनर फॉरेस्ट प्रोजेक्ट उनकी पैकेजिंग इसके लिए भी ब्रिक्स में प्रावधान हम कर रहे हैं, इसकी भी मैं आप घोषणा करती हूं। और साथ ही मधुमक्खी इनके पालन से संबंधित उत्पादों को भी ब्रिक्स 2014 के अंदर हम लाभ देंगे, इसकी मैं घोषणा करती हूं। प्लीज जिन जिन के खेत हैं जो जहां आपके सरसों के फूल आते हैं ऐसे टाइम में भी अगर डिब्बे लगा देते हो तो लोग सोचते हैं कि मधुमक्खी के पालन से कुछ नहीं। मैं बता रही हूं आपको कि इस देश के अंदर मधुमक्खी का जो वो निकलता है शहद निकलता है वो तो औषधि का बहुत बड़ा एक हिस्सा है, उसको इस्तेमाल करें। अपन मुझे याद है छोटे थे तो कोई कहता था कि आपको लग गई है कोई कट हो गया है स्कूल निकल रहा है तो उसके ऊपर थोड़ा सा वो लगा दो शहद लगा दो ठीक हो जाएगा। मैं मानती हूं कि इसको भी अपने को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। और इन्हीं दो पॉलिसीज के अंतर्गत अगर 31 मार्च 2019 के पहले आप एग्रो प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की इकाइयों को स्वीकृत करा लेते हो तो इन इकाइयों के कन्वर्जन चार्जेस में 100% छूट इसका मतलब हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि किसान भाई और उद्यमी और आगे चल के किसान खुद ही उद्यमी बने और इसका भरपूर लाभ होगा। इससे न केवल कृषि और आयुर्वेद के क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और जो सबसे बड़ी बात है रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अच्छा इन राजस्थान में हम नियरली 10,000 अटल सेवा केंद्र विच हैव ऑनलाइन कनेक्टिविटी दीज इंस्टीट्यूशन कैन ऑल्सो सर्विस नॉलेज सेंटर्स फॉर आर फार्मर्स प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड रिगार्डिंग वेदर इनपुट्स एंड एडवाइजरी एंड प्राइसेस। 36,000 e-mitra kiosks can be part of this network and provide information to our farmers. मतलब इतना ही है भाइयों कि राजस्थान में अब 10,000 अटल केंद्र सेवाएं से अटल सेवा केंद्र हैं जहां पर ऑनलाइन कनेक्टिविटी उपलब्ध है। यह संस्थान नॉलेज सेंटर के रूप में किसानों को अपनी सेवा दे सकते हैं और विशेषकर आपको जो सूचनाएं लेनी है मौसम पे मूल्य पे सामग्री के ऊपर वो आप देके आपको सजग और सशक्त बनाने का काम करेगा। 36,000 ई मित्र है पूरे राजस्थान के अंदर इस नेटवर्क से के हिस्सा बन सकते हैं अगर और किसान को उसके द्वारा भी सूचनाएं मिल सकती हैं उसका भी आप लाभ उठाएं। 2015 में जब मैंने रिसर्जन राजस्थान के आयोजन पहले ही किया था तो लोगों का यह विचार था कि केवल उद्योग को तो प्रोत्साहित नहीं हो रहा है तो हमने तभी तय कर दिया था कि रिसर्जेंट राजस्थान के आगे साकार कर रहा है और मैं ये विश्वास रखती हूं कि इसका फायदा आप लोग लेके घर जाओगे। आप हमारे अन्नदाता हो और हमारी खुशहाली के लिए हम आपकी खुशहाली के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। ये दोनों लिंक्ड हैं। हमारी खुशहाली तो तब हो सकती है जब आप खुशहाल और जब आप समृद्ध हो और जब आप अपने पैर पर खड़े हो। हमारे अन्नदाता किसान उनको मजबूत बनाने का काम राजस्थान की सरकार आगे बढ़कर करेगी। मैं सभी हमारे किसान भाइयों से आग्रह करती हूं कि आप इस आयोजन का पूरा लाभ उठाएं, विभिन्न प्रकार के आधुनिक तकनीक और नवाचारों से रूबरू हो, अलग अलग जगह पे हो रहा है गोष्ठी और सेमिनार में भाग लें, प्रश्न पूछें ताकि इन नवाचारों को न केवल आप अपने खेतों में लागू कर सकें पर आप लोग दूसरे लोग जो नहीं आ पाए उनको भी दिखा के उनको भी प्रेरित कर सके। अगर हमारा किसान अच्छी तरह से अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा तो राजस्थान भी आगे चल पड़ेगा। और मैं सब भाइयों को किसान भाई चल के आए उनको उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि आप इस आयोजन में सम्मिलित हुए और मुझे विश्वास है कि आप राजस्थान को विकसित बनाने में हमारे सहयोगी बनते चलेंगे और राजस्थान की विकास यात्रा में सहभागी बनेंगे। मैं रूपाला जी को आज बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे मालूम है कि वो कितने बिजी थे। मैंने उनको कहा कि कुछ भी होगा आपको यहाँ हमारे बीच में आना ही आना होगा। उन्होंने समय निकाला वो हमारे बीच में आए और मुझे मालूम है उनका रेपुटेशन है कि वो जब कोई बात कहते हैं तो उसको करके दिखाते हैं और ऐसे राजनीतिज्ञों को हमारे बीच में पाके हमें बहुत ही खुशी है। आज बाबा रामदेव जी भी हमारे बीच में होके गए, बहुत बिजी है। मैंने उनको ये कहा कि आप इतने बिजी हो भी आना तो पड़ेगा क्योंकि इधर उधर पैसे आप लगा रहे हो और नहीं
प्रवेश करा रहे हो तो यहाँ राजस्थान में भी करो, ताकि हमारे कि फिर आप कहते हो हमारे प्रदेश के अगर आप हो तो हम ये चाहेंगे कि हमारे प्रदेश के किसानों को भी आप यहाँ पर आप काम करेंगे। ये इतना बड़ा आपकी फैक्ट्रीज करवा रहे हो, हमारे राजस्थान के अंदर भी लगेंगे तो हमारे उनका भी लोगों का फायदा होगा। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज चढ़ा के इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी लोग इधर से उधर से हमने कहाँ कहाँ से काट पीट करके हम लोगों के बीच में आए। इन नवंबर 2015 रिसर्च इन राजस्थान पार्टनरशिप समिट वाज हेल्ड इन द स्टेट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्राइवेट प्लेयर्स अक्रॉस द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। नाउ आफ्टर ऑलमोस्ट अ ईयर we are organizing GRAM 2016 to provide you with a platform to witness the potential and the opportunity that our sector has to offer, in particular to the farming. GRAM has brought together all the stakeholders, farmers, academics, technologists, agribusiness companies, and policy makers to accelerate development of sustainable agriculture and allied activities through innovative methods and best practices. I'm proud to tell you that we also have MSMEs in Rajasthan that are export-oriented units dealing with these subjects. And we are very proud of them because they are doing some amazing work out of Jodhpur, out of Chaksur, out of Bagrua, and out of our Sitapura industrial areas. I am sure with the example that has been set to them by people like Baba Ramdev, they will also be able to take a leaf out of their book, and many more such industries will take off here in Rajasthan. I would like to express my heartfelt gratitude to all those who are present here with us, who have taken time out to be with us and who have partnered us. I urge you to please make the most of this momentous occasion and be a part of our, meaning Rajasthan's, growth story. I would also like to put here on record my thanks to our Minister of Agriculture, Mr. Prabhulal Saini, to our Principal Secretary, Neel Kamal Darbari, and her and their Agriculture Department, Rajasthan, who with Vicky have worked night and day to put up this spectacular exhibition. Thank you, Vicky, and a special thanks also to all those behind scenes whose efforts have made this wonderful show possible. I know there are many, many people who worked overnight, work to clean the city and its spaces, who police the area to see that there is no law and order situations, who have taken care to see from behind the scene, make translations of things which have been untranslatable, and who have worked to put the films and things together to make something wonderful for this particular exhibition. And finally, I would like to close with the words of Thomas Jefferson here. Agriculture is our wisest pursuit because it will in the end contribute most to real wealth, good morals and happiness. So please, all of you, come go with us. Jai Jai Rajasthan. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you very much actually for being here with us. This is the first of its type in our state, and I am sure it is possibly one of the best in the country that is taking place today. I just told Vicky, you owe me, because I'm sure you will become very famous with this. So thank you, Harsh. You're really going to take this to another level.